चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। पिछले दो तीन दिन से शाम को तेज बारिश और तूफान जैसे सूरत हाल किश्तवाड़ जिले के बाश्तर इलाकों में देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। जहां फसलों और मेवा वाले दरख्तों का नुकसान हो रहा है, वहीं बहुत सारे जगहों पर लोगों के मकान भी गिर गए हैं। आज हम इस वक्त चिनगांव के भचिन गांव में, यहां गुज़िश्ता रोज तेज बारिश और तूफान से एक बहुत बड़ी दीवार निकल गई है जिससे यहां कुछ घर इसके जद में और मंदिर को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। तूफान बारिश और नुकसान की वजह से लोग काफी ज्यादा खौफजदा हैं और इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने इंतजामिया से अपील कर रहे हैं, वो इनकी नुकसान की भरपाई करे और इन्हें जो दीवार गिरी है इसका सिर्फ ना कुल मुआवजा दे बल्कि दीवार असर नो तामीर करके इनकी मदद की जाए। आए देखते और सुनते हैं। वार्ड नंबर 6 का पंचायत सिक्का पांचों हमें मुश्किल यह है, हमें यहाँ पे निकल गया है रात को, ये सारा यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है कि जो हम ये खुद भर नहीं सकते, इतना नुकसान इतना पैसा हम भर नहीं सकते। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, हम DC साहब से अपील करते हैं हमारे इस मंदिर के लिए भी, और जो ये रास्ता निकला है इसके लिए भी हमें कुछ न कुछ दे दे क्योंकि हमें मदद करे, हमें जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बकरवाल चलते हैं, हम भी चलते हैं, माल सारा अंदर है, हमें रास्ता नहीं है यहाँ से कोई आगे पीछे जाने का, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी हमें यहाँ हमारा मंदिर था इधर, तो ये मंदिर निकल गया है इधर सारा। ये कब निकल गया? ये बारिश कल परसों हो गई बारिश की, ये निकल गया सारा मंदिर भी और रास्ता गवर्नमेंट का था, ये भी यहाँ से बकरवाल चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, अब सारा बंद हो गया, इधर चलने का कोई रास्ता नहीं। अब मेहरबानी करके गवर्नमेंट इसको जरा जल्दी से कोई न कोई मेहरबानी करके, हम खुद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना रास्ता और हमारा मंदिर भी डैमेज हो गया, बहुत सारी किल्लतें हमें इस डैमेज होने से हो रही है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा, एक्चुअली इतना ज्यादा फ्लडिंग एरिया बन गया है, ये यहाँ से चलना भी मुश्किल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ से इधर कुछ भी चलने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, दुकान से कुछ छोटी मोटी आइटम्स लाने के लिए, और बकरवाल भी चले उनके लिए भी अब हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें आधे रास्ते से उनको वापस भेजना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से चलने का रास्ता तो है नहीं, पूरा गांव एक साइड से दूसरी साइड से जाने की चुका है, मकान भी आ सकता है, ये पूरी जमीन गिर सकती है। कृपया करके हम आपके माध्यम बोल्ड वॉइस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कृपया करके यहाँ पे कुछ सुविधा प्रोवाइड किया जाए और हमारे लिए यहाँ पे